कल का सूर्योदय एक ऐसी खबर लेकर आया जिसने हर संगीत प्रेमी के दिल को तोड़ कर रख दिया। जी हाँ, कल लता जी ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मातम छा गया। भारत और पाकिस्तान, जिनके रिश्ते पिछले कई वर्षों से अच्छे नहीं रहे, फिर वो राजनीति हो या फिर क्रिकेट, लेकिन लता जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनके चाहने वाले भारत में भी उतने ही थे तो पाकिस्तान में भी। और उनके चले जाने के बाद इन दोनों देशों के लोगों ने उस दुख को एक साथ साझा किया। एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेटर्स ने भी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी लता मंगेशकर जी की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी। सचिन तेंदुलकर, जो लता मंगेशकर जी को अपनी माँ तुल्य मानते थे, वो उन्हें अंतिम विदाई देने भी पहुंचे और उन्होंने उनकी याद में एक भावनात्मक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं लता दीदी के जीवन का हिस्सा बनने के लिए खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा। उनके जाने से मेरा भी एक हिस्सा खोया हुआ महसूस होता है। वह हमेशा अपने संगीत के माध्यम से हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। भारतीय क्रिकेटर्स के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का दिल भी लता जी की याद में भर आया। पाकिस्तान के पीएम और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने लता जी की याद में ट्वीट करते हुए लिखा, लता मंगेशकर के निधन से सब कॉन्टिनेंट ने दुनिया के उन महान गायकों में से एक को खो दिया है जिन्हें दुनिया जानती है। उनके गीतों को सुनकर पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों को इतना आनंद मिला है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी लता मंगेशकर की याद में ट्वीट करते हुए लिखा, एक स्वर्ण युग का अंत हो गया। उनकी जादुई आवाज़ और विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। रेस्ट इन पीस श्रीमती लता मंगेशकर जी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो भी जारी किया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, 2016 में अपनी पिछली भारत यात्रा पर मुझे उनसे फ़ोन पर बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने मेहंदी हसन साहब और मैडम नूरजहां को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। अब कोई दूसरी लता मंगेशकर नहीं होगी। यही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा ने भी लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, लता मंगेशकर दया, सादगी व मानवता की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वो सभी के लिए एक पाठ की तरह हैं। किशोर कुमार के बाद उनकी मृत्यु ने मुझे संगीत के क्षेत्र में तोड़ दिया है। तो जिन दो देशों के बीच हमेशा किसी ना किसी मसले को लेकर तनाव बना रहता है, वो आज लता मंगेशकर के चले जाने पर एक साथ दुख साझा कर रहे हैं। ये ताकत लता मंगेशकर की ही है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। शुक्रिया।